नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सीबीएसई ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने वाले एक व्यक्ति को पेपर लीक का आरोपी बताया है। आरोपी राजेंद्र नगर के सेक्टर 8 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। सीबीएसई ने अपनी शिकायत में राजेंद्र नगर के 2 स्कूलों को भी पेपर लीक में आरोपी बनाया है। सीबीएसई के पेपर लीक मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया है कि जिसने भी पेपर लीक किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जावड़ेकर ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बच्चों और उनके परिवार की परेशानी समझता हूँ। इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से G-SAT-6 से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इस लॉन्च को न सिर्फ इसरो बल्कि देश की सेनाओं के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। रॉकेट का वजन 415.6 टन है। ये GSLV की 12वीं उड़ान होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट को लेकर दिए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार याचिका दायर कर सकती है। कानून मंत्रालय ने सोशल जस्टिस मंत्रालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि NDA के सांसद रामविलास पासवान और थावर चंद्र गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने 3 दिवसीय दौरे पर जापान में है। वे अपने दौरे में जापानी समकक्ष तारोकोनो के साथ सामरिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेगी। उनकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर भी चर्चा होगी। एम्स में इलाज के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली लाया गया है, जहां उनकी बेटी मीसा भारती उनसे मिलने पहुंची। इस दौरान मीसा भारती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और उन्हें हवाई जहाज से लाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसे नहीं माना गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सचिवालय ने साल 2017 में 3 करोड़ रुपए से अधिक की चाय पी डाली। इस बात का खुलासा RTI की एक रिपोर्ट में हुआ है। RTI के जरिए मिली इस जानकारी को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने सबके सामने रखा। उत्तर प्रदेश के सभी रिकॉर्ड्स में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ रामजी जोड़ा जाएगा। योगी सरकार ने राज्यपाल राम नाईक की सलाह के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर करने का आदेश जारी किया है। रामनवमी के जुलूसों के दौरान पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के कई इलाकों में अभी भी हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है। आसनसोल, रानीगंज, वर्धमान समेत कई जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं आसनसोल में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, साथ ही 60 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैम्ब्रिज एनालिटा डेटा लीक के कारण भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इस बीच एक ऐसा वीडियो जारी हुआ है जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में कैम्ब्रिज एनालिटिका के निलंबित CEO अलेक्जेंडर निक्स के लंदन ऑफिस की दीवार पर कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ टंगा हुआ दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने अरिजीत शाश्वत को अपराधी बताया है। श्याम रजक ने कहा है कि अपराधी अपराधी ही होता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस कम पड़ गई। उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ उचक्के होते हैं और कुछ लुटेरे होते हैं जो छुप के काम करते हैं। अब पर्यटक सिर्फ 3 घंटे ही ताजमहल में समय बिता सकेंगे। ये नया आदेश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक 17वीं शताब्दी के स्मारक पर मानव भार को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की फाइनल लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जगह पा सकते हैं। इसके दावेदारों में उनका नाम शामिल है। इसकी फाइनल लिस्ट अगले महीने जारी की जाएगी। मोदी इससे पहले 2015 में इस लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो मौजूदा मुद्दों को लेकर दुनिया पर असर डाल रहे हैं। वीडियोकॉन को दिए गए 3,250 करोड़ रुपए के लोन मामले में ICICI बैंक से लेकर CEO चंदा कोचर तक सवालों के घेरे में है। बैंक की CEO चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा है। दरअसल दिसंबर 2008 में वीडियोकॉन समूह के मालिक वेणुगोपाल दूत ने बैंक से लोन लिया था, लेकिन इस लोन का 86% यानी लगभग 2,810 करोड़ रुपए 2017 में बैंक ने NPA घोषित कर दिया। एयर इंडिया की दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर फोन आया है कि दिल्ली से कोलकाता जाने वाली AI-020 फ्लाइट में बम है। इस फोन के बाद तुरंत फ्लाइट को रोक लिया गया और पूरी सुरक्षा जांच के लिए यात्रियों को बाहर निकाला गया।
कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने नए शो फैमिली टाइम विद कपिल को लेकर सुर्खियों में है। शो के पहले एपिसोड में अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म रेड की प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर इसका दूसरा एपिसोड कैंसिल हो गया। खबरें हैं कि कपिल ने रानी मुखर्जी के साथ प्रमोशनल एपिसोड की शूटिंग कैंसिल कर दी है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।